मंगलमय वीतराग वे ज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है, आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना, सातवां अधिकार। और इस सातवें अधिकार के अंतर्गत व्यवहारावासी जीव चार प्रकार के व्यवहारावासियों में चौथे प्रकार के व्यवहारावासी धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो धर्म करना चाहते हैं और ऐसे जीवों में भी सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप और उसमें भी देवगुरु धर्म की चर्चा देवगुरु शास्त्र के अन्यथा रूप की चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं और आज वो प्रकरण चलने वाला है। आज से वो प्रकरण शुरू हो रहा है जो प्रत्येक आत्मार्थी के लिए प्रयोजनभूत है, जो हमारे लिए प्रयोजनभूत है, साधर्मियों के लिए प्रयोजनभूत है, जो सूक्ष्म रीति से जैन विद्वान जैन अभ्यासी जैन शास्त्रों का पठन पाठन करने वाले खूब अभ्यास चिंतन मनन करने वाले और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है यह प्रकरण सप्त तत्व का अन्यथा रूप। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अभी तक जिन भूलों की चर्चा की थी उनमें कुछ अन्य मतावलंबी थे, कुछ जैन थे, कुछ जैनाभासी थे, कुछ ऐसे लोग थे जो गृहित मिथ्यात्वी थे, सब तरह के लोगों की चर्चा थी। लेकिन अब जो चर्चा यहाँ आपके बीच में करने वाले हैं ये चर्चा उनकी कर रहे हैं जिन्हें सात तत्व के नाम पता है, जो सात तत्वों की परिभाषाएं जानते हैं, जो सात तत्वों के बारे में पढ़ते लिखते हैं सुनते समझते हैं। अब चर्चा उनके बारे में चल रही है। आप सोचना, अब तक जिन जीवों की चर्चा हमने पहले की है आपके बीच में उनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सात तत्व के नाम याद हो, छह द्रव्यों की चर्चा जानते हों, वस्तु स्वरूप की चर्चाएं करते हों। हाँ, देवगुरु धर्म को मानते थे, कुदेवादिक को मानने वालों की चर्चा छठे में कर ली थी और सच्चे देवगुरु धर्म को मानने वालों की चर्चा यहाँ इस सातवें अध्याय में भी अन्यथा रूप के अंतर्गत की। लेकिन आज जिनकी चर्चा शुरू हो रही है ये चर्चा है सूक्ष्म भूलें, बहुत सूक्ष्म भूलें, ऐसी सूक्ष्म भूल जो भूल जैसी नहीं दिखाई देती है, ऐसी गलती जो गलती जैसी नहीं दिखाई देती है, कहाँ रह जाती है चूक, उसकी हम कर रहे हैं यहाँ से चर्चा। पेज नंबर है 224, 224 नंबर पेज, सप्त तत्व का अन्यथा रूप। देखिए, सप्त तत्व संबंधी भूलों की चर्चा हमने चौथे अधिकार में भी की थी, सब आप लोगों के ध्यान में है। चौथे अधिकार में भी काफ़ी विस्तार से हमने इन सब प्रकरणों को देखा था, वहाँ इनके अन्यथा रूप की चर्चा की, यहाँ अन्यथा रूप की चर्चा कर रहे हैं और वहाँ अयथार्थ श्रद्धान की बात कही थी। फ़र्क समझना, थोड़ा सा शब्द भी अलग अलग दिए हैं, देखने पर तो एकदम ऐसा लगता है कि दोनों ही जगह पर सात तत्व संबंधी भूल की चर्चा की है, ऐसा लगता है हमारे को। चौथे अध्याय में भी सात तत्व संबंधी भूल की चर्चा है और सातवें अध्याय में भी सात तत्व संबंधी भूल की चर्चा है, बात तो बिल्कुल बराबर है,
लेकिन उसके बावजूद भी चौथे अध्याय में जो चर्चा है वहाँ हेडिंग दिए गए हैं अन्यथा अयथार्थ श्रद्धान, अयथार्थ श्रद्धान, और यहाँ हेडिंग दिए हैं अन्यथा रूप। कुछ तो फर्क होगा। वहाँ जो चर्चा की थी वो सर्व जीवों की अपेक्षा थी, और यहाँ जो चर्चा हो रही है ये पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा से हो रही है। देखिए चर्चा क्या कहते हैं, विशेष बात करते हैं अपन कुछ। यहाँ प्रकरण पढ़ रहा हूँ, तथा शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ सूत्र पहले अध्याय का दूसरा सूत्र है। पहले सूत्र का नाम था, पहला सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा वचन कहा है। इसलिए सम्यक दर्शन की क्या व्याख्या की, सम्यक दर्शन किसका नाम है, बोले तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसका मतलब सम्यक दर्शन के लिए तत्वार्थ श्रद्धान होना चाहिए। हमें यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो हमें तत्वार्थ का श्रद्धान करना पड़ेगा। इसलिए जैसे जीवादिक तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान करना है ना। तो तत्व कितने होते हैं, नींदों में भी यदि उठा करके पूछा जाए कि तत्व कितने होते हैं तो फटाफट जग करके कहता है सात होते हैं। ये कौन से होते हैं, जीव अजीव आश्रव वन संबंध जरा मोक्ष, फटाफट नाम सुना देता है। क्या कह रहे हैं, यहाँ जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है, सीख लेता है। इसका मतलब यहाँ तत्व सीखे हुए व्यक्तियों की बात चल रही है। पहले जो बात चल रही थी उसमें उसने तत्व नहीं सीखे थे, इसका मतलब ये अभ्यासी है। तत्व की बात कितने लोग जानते होंगे बतलाइए मुझे। आज पड़ोस में जरा जैनियों के ऊपर निगाह डाल करके देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो सात तत्वों के नाम जानते हैं। हमारे भी हैं, चारों तरफ पूरी कॉलोनी में जैन 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 हैं, लेकिन उन सारे जैनों में कितने लोग मिलेंगे जो लोग सात तत्वों को जानते होंगे, बहुत दुर्लभ है भाई साहब। तो ये कहते हैं जिसने जाने, जैसे लिखे सात तत्व जैसे शास्त्र में लिखे हैं, इसका मतलब शास्त्र पाठी भी है, शास्त्र को भी पढ़ा है ये व्यक्ति। शास्त्रों में जैसे जीवादिक तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है और वहां उपयोग लगाता है। इसका मतलब उपयोग लगाने का मतलब ये बच्चों की चर्चा भी नहीं है, क्योंकि सात तत्वों के नाम सीखे हुए व्यक्ति तो 5 साल के 7 साल के 10 साल के छोटे छोटे से बच्चे भी आपको मिल जाएंगे। सात तत्व के नाम दीव अधीव आत्मबन तम्मल दमुत, ऐसे ऐसे फटाफट सात तत्वों के नाम सीख लिए उन्होंने नाम। तो यहाँ तो बात उनसे और एक कदम आगे वालों की चल रही है। कौन उपयोग लगाता है, लगाता है, उपयोग लगाने वाले की चर्चा चल रही है। और इतना ही नहीं, औरों को उपदेश देता है। अब तो एक और कदम आगे की बात चल गई है, बोलो। परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। आज हम भाव भाषण के संदर्भ में विशेष चर्चा करेंगे आपके बीच में, क्या होता है भाव भाषण। बात एक एक स्टेप करते हुए कहां तक बढ़ गई है, सात तत्वों के नाम सीखे थे, नाम सीखने के साथ साथ में वहाँ उपयोग लगाया था, और उपयोग लगाने के साथ में औरों को उपदेश देता है। इसका मतलब विद्वानों की चर्चा चल रही होगी। आप यही सोच रहे होंगे पंडित जी ये बात तो आपके लिए है, क्योंकि उपदेश तो आप दे रहे हो, हमारे लिए थोड़ी नहीं ये बात। भैया सुनो, आप सब उपदेश देते हो। महीनों से वर्षों से जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सब उपदेशदाता हैं। न सही बड़ी सभा में प्रवचन करने वाले, लेकिन 5-7-10 लोग जब कभी बैठते हैं तो कुछ न कुछ धर्म की चर्चा आप भी औरों को समझाते ही रहते हैं। जब प्रसंग बनता है कुछ न कुछ घर वालों को लेकर के बैठ गए, कहीं कोई शादी विवाह में लोग मिल गए तो उनके साथ में, अरे तुम्हें पता है ऐसा है, ऐसा है स्वरूप, कुछ न कुछ बातें आप समझाते रहते हैं, तो आप भी तो उपदेशदाता हो गए। कभी किसी के साथ में बैठ करके कर्म सिद्धांत की चर्चा करने लग गए, जन्म मरण की बातें बतलाने लग गए, प्रवचन में सुने हुए कोई प्रसंग, कोई कहानी, कोई किस्से औरों को समझाने लग गए,
कभी किसी को यही समझाने लग गए भैया रात को नहीं खाते हैं, दिन में ही खाना चाहिए। कभी किसी को यही समझाने लग जाते हैं आप यार प्रवचन सुनने के लिए आया करो। तो आप भी तो उपदेशदाता हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप 500,000 लोगों के बीच में ही बोलें, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई बड़ी सभा में प्रवचन करने वाले प्रवचनकार ही होवें, कोई भी तो सभा हो सकती है। अरे अपने बच्चों को लेकर के भी यदि तत्व द्रव्य की बातें समझा रहे हैं तो आप भी उपदेशदाता हैं। ये कह रहे हैं सब उपदेशदाताओं के लिए, श्रोता नहीं औरों को उपदेश देता है, क्या बात है, औरों को उपदेश देता है। परंतु परंतु क्या कह दिया, परंतु कह करके पंडित जी सारे क्या करे कराए के ऊपर पानी फेर देते हैं, क्या बोलो, करे कराए के ऊपर भी सारे पानी फेर देते हैं। सोचना एक बार ये जो बातें कह रहे हैं इन बातों में गहराई कितनी है, विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा। भाव भाषण, आप जानते हैं भाव भाषण क्या होता है, भाव भाषण किसे कहते हैं, भाव भाषण के बिना फीलिंग नहीं आती है क्या, भाव भाव भाषण में हमें वो बात मर्म ख्याल में नहीं आता कि भाव भाषण कह करके कहना क्या चाहते हैं, शब्द तो बोल दिया। ये पंडित जी साहब का बहुत पेटेंट शब्द है भाव भाषण, पूरे ग्रंथ में कई जगह पर आपको भाव भाषण शब्द मिलेगा। और भाव भाषण का मतलब है जो बात कही जा रही है उस बात को अंतर में फील करना, ये कहलाता है भाव भाषण। भाव भाषण नहीं हुआ तो समझ में नहीं आएगा, विषय समझ में नहीं आएगा। भाव भाषण नहीं हुआ तो पांच को पांच से गुना करो तो कितना होता है, बोले पांच गुना पांच 25, 5 5 25, 25 पांच को पांच से गुना किया उन्हें 25 हो गए, तो तुरंत फटाफट बोल दिया आपने, बोल तो दिया, बच्चा भी बोल देगा फटाफट टेबल जिसे याद है, पांच को पांच से मल्टीप्लाई करते हैं 25 आते हैं। लेकिन इसका भाव भाषण क्या है भैया, पांच को एक जगह रखो, पांच को दूसरी जगह रखो, पांच 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 पांच, बच्चों को भाव भाषण कराने के लिए वो चीजें छोटे छोटे सी बॉल, छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से मार्बल्स, कंचे जिसे कहते हैं, वो दे देते हैं, पीस दे देते हैं। बोलो पाँच को पाँच से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे बेटा, पाँच रखो फिर पाँच रखो फिर, अरे तो समझ में आती है। अभी हमने आपसे कह दिया कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मतलब क्या होता है, कोड़ा कोड़ी सुना है साहब हमने, बहुत कोड़ा कोड़ी की चर्चाएँ मिलती है शास्त्रों में, ये कोड़ा कोड़ी क्या होता है, सुनो करोड़ गुना करोड़ को कोड़ा कोड़ी कहते हैं। अभी आपने परिभाषा भी बतला दी, एक करोड़ को एक करोड़ से गुना करो तो कोड़ा कोड़ी हो जाता है, बोलो एक करोड़ को एक करोड़ से गुना करो। लेकिन करोड़ को करोड़ से गुना का मतलब क्या है, करो भाव भाषण। अब भाव भाषण करोगे तो आंखें ऐसी खुली की खुली रह जाएगी आपकी, भाव भाषण क्या है, करोड़ गुना करोड़ का मतलब क्या है, एक करोड़ फिर 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 एक करोड़, कितनी बार, बोले एक करोड़ बार, और उन सब को मिलाओ उसका नाम है कूड़ा कूड़ी। अच्छा बाप रे, कुछ कुछ फीलिंग हो रही है आपको, कोई पता लग रहा है, गुना कर दिया गुना कर दिया, करोड़ गुना करोड़ कोड़ा कोड़ी हो गया। अरे कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या है, 84 लाख पूर्व का मतलब क्या है, 84 लाख पूर्व की आयु थी ऋषभदेव की, एक पूर्व दो पूर्व तीन पूर्व चार पूर्व, ऐसे करते 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 84 लाख बार पूर्व हो, और पूर्व कितना 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष, कितनी बार, बोलो 84 लाख बार रिपीट करो इस चीज को और सबको इकट्ठा कर लो, इतनी आयु थी ऋषभदेव की। कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है क्या, क्या कह रहा हूं मैं, कौन से भाव भाषण की बात कर रहा हूं, ये भाव भाषण होता क्या है, जो प्रकरण कहे जा रहे हैं क्या, इन प्रकरणों का भाव भाषण है या नहीं है। टोडरमल जी कह रहे हैं तत्वों के नाम सीख लिए, टोडरमल जी ये कह रहे हैं उपयोग भी लगाता है, टोडरमल जी ये कह रहे हैं औरों को भी बता देता है, लेकिन ये जो चीज है क्या, भाव
हर चीज में भाव भाषण, भाव भाषण के बिना लाइफ जीरो है, समझ लीजिए। जिस व्यक्ति को फील नहीं है, जिस व्यक्ति को एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज, एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं हम भाव भाषण को, हम भाव भाषण को कह सकते हैं। आपको उस चीज के संदर्भ में शब्द सुनते ही वो फील होने लग जाए वो चीज, इसका नाम भाव भाषण है। 50 उदाहरण दे सकता हूँ भाव भाषण को समझाने के लिए। रोड क्रॉस कर रहे हैं, भाव भाषण के बिना आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। पंडित जी समझ में नहीं आई क्या बात कर रहे हो, रोड क्रॉस करने के अंदर भी भाव भाषण की बात कर रहे हो? अभी तो धर्म की चर्चाओं में भाव भाषण समझ रहे थे, अब आप रोड क्रॉस करने के अंदर भी भाव भाषण की। हाँ जी बिल्कुल, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपने लेफ्ट और राइट में देखा और दूर से गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है, कितनी तेजी से इधर से गाड़ी आ रही है, वो कितनी देर में कितनी दूरी तक आएगी और कितनी देर में मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा, इसकी फीलिंग का नाम है भाव भाषण। इस भाव भाषण के बिना आप रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये भाव भाषण शब्द तो हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है, शब्द तो हैं। बच्चों को भाव भाषण नहीं होता, नदी समझा रहे हैं, पर्वत समझा रहे हैं, पहाड़ समझा रहे हैं, हैं देश का नक्शा समझा रहे हैं, भारत का नक्शा समझा रहे हैं, कहाँ से हिमालय से नदी बह रही है, बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, कितनी दूरी और यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच करके बतलाएंगे, और फिर वो जो पैमाना मानते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, इतने इंच बराबर इतने किलोमीटर, इतने इंच बराबर इतने किलोमीटर, तो समझदार व्यक्ति तो उसको फील करता है। जैसे उदाहरण बनाया, यहाँ पर हिमालय और हिमालय से नदी बही और ये यहाँ आ गया बंगाल की खाड़ी, तो बच्चे को ये समझ में आता है ये 6 इंची की दूरी पर इतनी सी दूरी, गंगा नदी कितनी चली है, ये भाव भाषण होना चाहिए कि नहीं? कह तो दिया, बोलो। भाव भाषण क्या चीज है? यदि सब ऊपर से जा रहा है तो आपको भाव भाषण नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ इस शब्द को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इतना कर लीजिए अपनी इस चर्चा में कि भाव भाषण का भाव भाषण कर लीजिए। क्या? भाव भाषण का भाव भाषण, भाव भाषण का भाव भाषण बोला तो इसका भाव भाषण हो रहा है कि नहीं, उसकी चर्चा चल रही है। भाव भाषण का भाव भाषण कैसे होगा? हमने बताया 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। अब बनाओ नक्शा इस बात को मान करके, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। अब सेंटीमीटर तो दिख रहे हैं, अब 100 किलोमीटर कितना होता है इसका विजन नहीं है क्या? इस विजन का नाम है भाव भाषण। रोटी बनाते समय कदम कदम पर भाव भाषण कर रहे हो, सब्जी बनाते समय आप भाव भाषण कर रहे हो। भाव भाषण के बिना आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी देर तक गैस पर चढ़ी हुई सब्जी सीज जाएगी। भाव भाषण होगा, एक्सपीरियंस काम करेगा उसमें। 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कितना नमक डालना, कितना मिर्च डालना, सब मसाले बराबर नहीं डलते हैं। जितना नमक डलेगा उतनी मिर्च नहीं डलेगी, जितना मिर्च डलेगा उतना धनिया नहीं डलेगा, उतना और चीज़ें नहीं डलेगी। हर चीज़ की क्वांटिटी अलग अलग होती है, और किस बेस पर डालते हो आप? भाव भाषण के बेस पर डालते हो। हमें मालूम है कितना, अपने जैसे लोग जिनको भाव भाषण नहीं हो, नया नया व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा, मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार ऐसा क्या, भोजन करने के लिए बैठे और सब्जी में नमक कम था और हमने किचन में आवाज़ लगाई क्या कि इसमें नमक कम है, नमक डाल दो, और अंदर से आवाज़ आई कि टेबल पर ही रखा है नमक, अपने आप डाल लो। अब हमने सोचा एक प्याला ये पूरा सब्जी का भरा हुआ है और इस भरे हुए पूरे प्याले में हमें डालना है नमक, तो कितना डाला जाए? ऐसे एक प्याला, कभी कभी दही होता है तो हम एक प्याले दही में 2 चम्मच शुगर डालते हैं। कई बार हमें नमक का तो आइडिया नहीं था, लेकिन हमें आइडिया था चम्मच, वो जो डालते हैं ना अपन, क्या कहते हैं, बूरा कहो या चीनी कहो, वो चीनी डालते हैं 2 चम्मच उसमें मिलाते हैं, तो हमें लगा ये एक प्याला सब्जी है, अब 2 चम्मच तो नमक डलेगा कि नहीं इसमें, बोलो क्या होगा, बतलाओ। आप लोग सब हंस रहे होंगे कि आप पागल हो जैसी बात कर रहे हो। 2 चम्मच यदि एक प्याला सब्जी में 2 चम्मच नमक डाल देंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी सब्जी पूरी, सब बिगड़ जाएगा मामला।
तो क्या चाहिए आपको? भाव भाषण चाहिए। कितने में कितना डलेगा, कितने में कितना प्रयोग किया जाता है, इसका नाम होता है भाव भाषण। ऐसे ही हमने कहा, टोडरमल जी ने कहा, शास्त्रों में लिखा, हमने पढ़ा उसमें जीव तत्व। तो जीव तत्व कहते ही आपकी फीलिंग में क्या आता है, इसका नाम भाव भाषण है। सात तत्वों के नाम सीख लिए, टोडरमल जी कह रहे हैं नाम सीख लिए, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, और सातों तत्वों के बारे में बोल भी दिया, सातों तत्वों के बारे में समझा भी दिया, सबको समझा दिया सात तत्व के बारे में। देखो जीव कौन सा होता है, ये जीव होता है जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, उसे जीव कहते हैं। अजीव पुद्गल क्या होता है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब अजीव हैं, फटाफट बतला दिया। बोले धर्म द्रव्य क्या है, सब समझा रहा है और समझ में आ रही है सामने वाले लोगों के। आश्रव क्या है, बंध क्या है, बंध की परिभाषाएं बतलाए, बंध की व्याख्या करे, बंध के ऊपर व्याख्यान करे। लेकिन बंध बंधन फील हो रहा है कि कर्म का बंधन हो रहा है, हर समय आप महसूस कर रहे हैं कि कर्म बंध रहे हैं, प्रति समय ज्ञानावरणादि कर्म आकर के आत्म प्रदेशों के साथ में चिपक रहे हैं, हो रहा है बंधन आपको? नहीं, बंधन तो हमें रस्सी का बंधन तो महसूस किया जाता है, कदाचित मोह राग का बंधन दिखता है, ये कर्म का बंध, ये बंध तत्व क्या चीज है, इसका भाव वासन नहीं होता। मोक्ष तत्व क्या है, ये फील नहीं होता हमारे को, मोक्ष तत्व क्या चीज है, संवर निर्जरा क्या चीज है, किस चीज का नाम संवर निर्जरा है, ये समझाना चाह रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, आपको यदि अपने फील्ड के विषय के बारे में, अपने टॉपिक अपने सब्जेक्ट के बारे में यदि भाव वासन नहीं है, तो आप अपने फील्ड में जीरो कहलाएंगे। क्या बोलो, आप सीए हैं मान लीजिए, आईएलजेन सब, बहुत सारे सीए हैं अपने यहाँ, बहुत सारे डॉक्टर हैं चांदीवाल जी सब, बहुत सारे इंजीनियर हैं अपने यहाँ, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सब सब सबके फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, एक एक व्यक्ति के फील्ड की बात कर रहा हूँ। धर्म जी भाई साहब आपके फील्ड का उदाहरण दिया है नीचे टोडरमल जी साहब ने, क्या कह रहे हैं ये, कोई व्यक्ति अकाउंट्स पढ़ करके आया, अकाउंटेंसी पढ़ी, हमने भी अकाउंट्स पढ़ी है, खूब पढ़ी है, खूब सवाल किए हैं, खूब पीएनएल बैलेंस शीट सब सब बनाई है हमने, खूब बनाई है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है ये बतलाओ। अकाउंट्स पढ़ करके निकलने वाला व्यक्ति, इनकम टैक्स पढ़ने वाला व्यक्ति, इनकम टैक्स का पेपर दिया उसने और पूरे इनकम टैक्स सब फॉर्मूले सब चीज़ें लगाता है बराबर, हर चीज़ का उसको पता है, किसका कितना परसेंट, किस में कितनी छूट मिलेगी, एटीसी में क्या मिलेगी, एटीडी में क्या मिलेगी, एटीजी किस चीज़ की है, हैं ये अलग अलग तरह की सारी धाराएँ याद करते हैं, सब पता है उसको। लेकिन फिर भी जब प्रैक्टिकल करने के लिए कहें किसी के यहाँ जाकर के, भाई साहब मेरे अकाउंट्स बना दोगे क्या, हैं हैं क्या क्या करूँ, किसका क्या करूँ, कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा पढ़ लिया आपने, मेडिकल डॉक्टर बन गए, परीक्षाएं दे दी, एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया, पास हो गए, बतलाओ कितने लोगों का इलाज कर सकते हो? अरे डिग्री नहीं मिलती है इंटर्नशिप के बिना, तो 6 महीने साल भर 2 साल जिसका जितना अलग अलग तरह का, डिग्री लेने के लिए आपको कम से कम इतने समय के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, किसी डॉक्टर के निर्देशन में, किसी वकील के निर्देशन में, वकील है तो वकील के निर्देशन में, सीए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के निर्देशन में, बोलो यदि आपने एग्जाम दिए, डॉक्टर है तो वहाँ डॉक्टर के, बड़े डॉक्टर के निर्देशन में, फिर उनसे फिर सर्टिफिकेट आए, हमारे यहाँ इन्होंने इतने दिन तक प्रैक्टिस की। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक डिग्री नहीं दी जाती है, सोचो आप जरा। पास तो कर लिए एग्जाम, सारी नॉलेज है आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है? ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए टोडरमल जी साहब भाववासन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये है भाववासन। मैं समझता हूँ आप लोगों को भाव भाषण का भाव भाषण कुछ हुआ होगा, जरा टोडरमल जी ने भी उदाहरण दिया है, इसको भी समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी। जैसे कोई पुरुष, नहीं ऊपर लाइन रहेगी ना अभी, तो औरों को उपदेश देता है परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता, और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है। तत्व किसका नाम है? भाव
वही तो तत्स्य भावस्तत्वम, जिस वस्तु का जो भाव होता है उसे तत्व कहते हैं। तत्व तो है लेकिन उस वस्तु का भाव, जैसे जीव, जीव तो अर्थ है और जीव का जो भाव है वो तत्व है। तस्य भावस्तत्वम, ये आपने व्युत्पत्ति कई बार सुनी होगी, जिस वस्तु का जो भाव होता है उसे तत्व कहते हैं। जिस वस्तु का जो भाव होता है उसे तत्व कहते हैं। तो कहा वस्तु के भाव ही का नाम तो तत्व है। सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा? भाव वासन क्या है सो कहते हैं। हमने तो आपको बतला दिया भाव वासन क्या है, क्या भाव वासन क्या चीज है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं भाव वासन क्या है, इनकी दृष्टि से सुन लो, हमने भी टोडरमल जी से ही सीखा है यही। सो एक उदाहरण पढ़ करके 50 उदाहरण ख्याल में आ गए, बात समझ में आ गई, फीलिंग में आ गया कि भाव वासन आखिर होता क्या है। देखो क्या कहते हैं, जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर ग्राम मूर्छना रागों का स्वरूप और ताल तान के भेद तो सीखता है। देखो शब्दों में बहुत गहराई होती है, शब्द के अंदर यदि अक्षर बदल जाएगा तब तो अनर्थ हो ही जाएगा। एक और प्रयोग, जैसे यहाँ रागों का स्वरूप लिखा है, अब इसको रोगों का स्वरूप कर दो तो क्या हो जाएगा? राग के स्वरूप की चर्चा चल रही है, रोग समझ लिया। इसी तरह से चतुर होने के अर्थ शास्त्र द्वारा, अब ये अर्थ और शास्त्र इन दोनों के बीच में यदि सिर्फ स्पेस नहीं हो और जुड़ जाए तो क्या होगा? अर्थशास्त्र द्वारा। अर्थशास्त्र क्या चीज है? इसका नाम है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। क्या अर्थ और शास्त्र सिर्फ स्पेस दे दिया और बात बदल गई, माथे जुड़ गए और भाव ही बदल गया उसका। अर्थशास्त्र मतलब अर्थ जानना है शास्त्र के द्वारा। क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रसिद्ध है, आप जानते हैं कौटिल्य जो है ये चाणक्य का दूसरा नाम था, कौटिल्य। चंद्रगुप्त को जिसने राज्य दिलाया था ना, चाणक्य, चाणक्य तो बहुत फेमस है, उस चाणक्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बहुत फेमस है। कौटिल्य चाणक्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्र द्वारा स्वर जान लिया, शास्त्र में पढ़ लिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उनमें ग्राम मूर्छना राग अलग अलग, किस समय में रुकना है, किस समय में क्या है, कोमा क्या होता है, सेमी कोमा क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे गाया जाता है, राग भैरवी क्या होती है, ये राग कौन सी होती है, अलग अलग प्रकार की धुनों को जानता है, वीर छंद को जानता है, गीता छंद को जानता है, गाथा छंद को जानता है, हैं दोहा छंद को जानता है, चौपाई जानता है, रोला जानता है, हरी गीति का जानता है, कितने तरह के छंदों को सबको स्वरूप जानता है, और ताल तान के भेद भी सीख लेता है। सारे गामा पादानी सब ताल को जान रहा है, उनके भेद प्रभेदों को जानता है, सबको सीखता है। परंतु इन सबको सीख लेने के बाद भी क्या कह रहे हैं, परंतु स्वराधिक का स्वरूप नहीं पहचानता। बोलो, स्वर का स्वरूप नहीं पहचान रहा है, नाम सीख लिए, रट लिए, याद कर लिए, स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वरादिक को अन्य स्वरादि रूप मानता है। स्वरूप की पहचान नहीं होगी तो जीव को अजीव में मिला देता है, अजीव को जीव में मिला देता है। स्वरूप की पहचान नहीं होगी तो आश्रव को संवर समझ लेता है, संवर को आश्रव मान लेता है, बंद को निर्जरा समझ लेता है। बोलो क्या कह रहे हैं, स्वरादिक को अन्य स्वरादि रूप मानता है अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता है, इसलिए उसके चतुरपना नहीं है, शास्त्र ज्ञान काम नहीं आता है। भाई साहब क्या शास्त्र ज्ञान काम नहीं आएगा? पहले एक उदाहरण दिया था मैंने, एडवोकेट साहब सही कह रहे हैं बिल्कुल, कार्यक्रम के छपते छपते हम तो पढ़ते लिखते हैं ना, ये सब संपादन वगैरह करते हैं, किताबें बराबर है, कार्यक्रम का क्रियाकर्म हो जाता है,
मात्रा इधर से उधर लग जाए, थोड़ा सा ध्यान नहीं देवे तो कार्यक्रम को क्रियाक्रम छिप जाता है। इस क्रियाक्रम में आपको पधारना है। बड़े विचित्र है भाई साहब ये शब्दावली, नहीं समझो तो गड़बड़ हो जाए। यहां तो टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, शास्त्र से सीखा, शास्त्र में पढ़ पढ़ करके। अरे शास्त्र में पढ़ पढ़ करके हमने खूब अभ्यास किया, किस चीज का? ड्राइविंग सीख ली हमने शास्त्र में पढ़ पढ़ करके। क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, एस्केलेटर क्या होता है, व्हील क्या होता है, गाड़ी के पुर्जों के बारे में, मशीनरी के बारे में, इंजन के बारे में, उसकी कैपेसिटी, दुनिया भर की चीजों के बारे में जान लिया, खूब पढ़ लिया। बोलो, और पढ़ा लिखा व्यक्ति, अभी थोड़ा सा उदाहरण को घुमाऊं क्या? ऐसा कर सकते हैं आप, किसी बस में बैठ करके सफर करने वाले थे और बस रवाना होने वाली थी, सब अंदर बैठ चुके थे, ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ था, 2-5 मिनट की देरी लग रही थी। आप भी उस ड्राइवर के पास में खड़े हो गए कि आप ही चलाने वाले हो? कि हाँ मैं ही चलाने वाला हूँ। कि आपने चलाई है गाड़ी पहले? कितनी चलाई है, क्या एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगे। और उसने कहा नहीं नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम ही बैठ रहा हूँ आज स्टीयरिंग के ऊपर, पहली बार। नहीं तो आपने चलाई नहीं कभी गाड़ी? नहीं नहीं चलाई नहीं है, लेकिन मैं सब समझता हूँ। क्या बोला वो? मैंने चलाई नहीं है लेकिन मैं सब जानता हूँ, मेरी इसके इस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर डिग्री है मेरे पास में, मैंने ये गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल PhD है मेरी। जब स्टीयरिंग कितना दूरी पर होना चाहिए, हाथ कैसे मुड़ा हुआ होना चाहिए, कंधे कैसे होने चाहिए, पीछे कैसे टिक करके रहना चाहिए कि आगे झुकना चाहिए, हर चीज़ मैं बारीकी से जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। बोलो, आप उस गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? खूब पढ़ा है उसने, एग्जाम दिए हैं उसने, लेकिन शास्त्र से पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है। कहते हैं किताबी ज्ञान किसी काम आने वाला नहीं है, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा। और एक व्यक्ति जो अनपढ़ हो, एक व्यक्ति जो अंगूठा छाप हो, जिसने एक अक्षर भी ABCD भी नहीं पढ़ी हो, सारे काम करने वाले जितने ये मैकेनिक वगैरह सब दिखते हैं ना, ये सब ये 4th-6th पास पढ़े लिखे होते हैं, ये सब काफ़ी लोग इस तरह के 8th-10th पढ़े लिखे और कुछ नहीं, और सीखते सीखते सब गाड़ियाँ सुधार देते हैं। पढ़े लिखे भाऊजी इंजीनियर जो हैं खड़े हैं वहाँ, वो क्या है, वो सुधार रहा है, वो काम कर रहा है, उसको पता है क्या चीज़ है, वो बारीकियों को समझता है। तो शास्त्र ज्ञान के साथ साथ ये प्रैक्टिकल ज्ञान की बात कर रहे हैं, शास्त्र ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कितनी है, भोजन बनाने की प्रैक्टिस है या नहीं है आपको? जितनी बार बनाते जाएंगे, जितनी बार करते जाएंगे, उतना आपका भाव वासन होता जाएगा, एक्सपीरियंस होता जाएगा। कितनी बार, बोलो, कितनी किताबें पढ़ें तैरना सीखने के बारे में और नदी में कूद जाएं, पानी में कूद जाएं और हाथ पांव चला करके नदी पार कर लेंगे। भाई साहब नदी में तो पहले उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए क्या? किताबी पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। ये बात यहाँ पंडित जी ने कितने अच्छे शब्दों के अंदर बतला दिए, शास्त्र से पढ़ लिए सब, भेद सीख लिए, ताल तान सब कुछ सीख लिया, गांव नगर सब कुछ ऐसे ऐसे बोल फटाफट। कोई व्यक्ति कितनी मात्राएं होती, वीर छंद में कितनी मात्राएं होती है फटाफट बतला देगा, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, दोहा छंद में कितना होगा, रोला बनेगा तो कैसे बनेगा, कुंडलियां किस प्रकार का छंद हो जाता है, उस छंद में कितने अक्षर, कितनी मात्राएं, कितने स्वर, संवैया 31 कैसा होता है, 23 कैसा होता है, संवैया क्या छंद होते हैं, सब फटाफट पढ़े हैं उसने, खूब पढ़े हैं। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ये होती है कि एक व्यक्ति सामने से गा रहा है और गाते हुए को सुन करके कह देवे, ये तो चौपाई गा रहा है, गाते हुए को सुन करके कह देवे, ये तो ये जो गा रहा है ना, ये रोला छंद गा रहा है, क्या आपने कैसे बता दिया, इसका नाम है भाववासन है। देखो कितना सुंदर कह रहे हैं आगे, इसलिए कह रहे हैं चतुरपना नहीं होता, उसी प्रकार सिद्धांत पर घटित कर रहे हैं बात को, बात को सिद्धांत पर घटित करके कह रहे हैं, उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होने के अर्थ, क्या अर्थ माने लिए, सम्यक्त्वी होने के लिए शास्त्र द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है। बोलो क्या कहा, कोई जीव सम्यक्त्वी होने के अर्थ,
कोई जीव सम्यक्त्वी होने के लिए सम्यक दर्शन मुझे करना भैया, शास्त्र में लिखा है तत्वार श्रद्धानम, तत्वार श्रद्धानम होना चाहिए। मैंने बराबर सात तत्वों को सीख लिया है, परिभाषाएं सीख ली है, वेद सीख लिए, और तो और क्या बतलाऊं आपको, सात तत्व संबंधी भूलों का प्रकरण भी सीख लेता है क्या बोल, सात तत्व संबंधी भूल भी सीख ली। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर कई बार व्याख्यान कर दिए, आद्य उपांत व्याख्यान कर दिए, सात तत्व संबंधी भूल के ऊपर निबंध लिख दिया, परीक्षा में पूछा, हमारे विद्यार्थी एग्जाम देते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं उनको, तो और वो पूरे के पूरे सात तत्व संबंधी भूलों को बराबर पॉइंट टू पॉइंट सब लिख देंगे, तो आप तो सम्यक दृष्टि हो गए ना, क्यों अभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हुए? ये कह रहे हैं सम्यक्त्वी होने के लिए, अभी तो परीक्षा के लिए किया था तब तो कुछ नहीं होने वाला है, सुनाने के लिए किया था तो कुछ नहीं होने वाला है, अब सम्यक दर्शन के लिए किया तो भी पंडित जी क्या कह रहे हैं वो सुनो। सम्यक्त्वी होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, परंतु उसके स्वरूप को नहीं पहचानता। बोलो, स्वरूप नहीं पहचाना उनका, स्वरूप को पहचाने बिना, स्वरूप को नहीं पहचाना इसके बिना क्या होगा, बोले स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है, अथवा अन्य तत्व को अन्य तत्व रूप मान लिया। अकाउंट्स पढ़ी है, किताबी ज्ञान पढ़ा है, बिना गुरु के पढ़ा है, बिना निर्देशन में पढ़ा है, अरे जिसको डीआर करना था उसको सीआर कर देता है, डेबिट को क्रेडिट कर देता है, बोलो जिससे लेना था उसको देना है, इधर की एंट्री यदि इधर कर देवे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेने का देना पड़ जाए, ये जो लेने का देना है ना यही है चीज, और क्या है लेने का देना, जिससे लेना था एंट्री गलत हो गई उसे देना पड़ गया, इसका नाम है लेने के देने पड़ जाएंगे, कहावत चलती है ना लेने के देने पड़ जाएंगे, इसकी एंट्री इधर की इधर कर दी, सही जगह पर एंट्री होनी चाहिए। सात तत्व हैं, सात खाते हैं, खाते समझ गए आप, अकाउंट, कितने अकाउंट हैं, बोले सात अकाउंट हैं। यदि आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी, अकाउंटेंसी पढ़ी होगी, तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें ख्याल में आएंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उनके भी समझ में आएगी। एक जीव का अकाउंट है, एक अजीव का अकाउंट है, एक आश्रम का अकाउंट है, एक बंद संवर निर्जरा और मोक्ष, सात अकाउंट खुले हुए हैं, और इन सातों अकाउंट्स में अलग अलग चीज़ों की एंट्री अलग अलग जगह पर होगी। सही जगह पर एंट्री है तो बैलेंस शीट का टोटल आपका मिल जाएगा, और गलत जगह पर एंट्री कर दी तो फिर सर पकड़ते रह जाओगे कि आखिर हुआ क्या, गलती कहाँ हो गई है। कई अशुद्धियां तो इस प्रकार की होती है, हमने अकाउंट्स में पढ़ी थी, क्षतिपूरक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धि नाम होता है उसका। ये कैसी अशुद्धियां होती है, आपकी बैलेंस शीट भी मिल जाएगी, गड़बड़ होने पर भी बैलेंस शीट मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी कि रामलाल से 25,000 रुपए या 25 लाख रुपए लेने थे, उसकी जगह हमने श्याम लाल से 25,000 रुपए लेने हैं, ये अकाउंट में चढ़ा दिए, तो क्या हुआ, आपका बैलेंस तो मिल गया बराबर, लेकिन इसकी जगह वो हो गया जिससे लेना था वो व्यक्ति देगा नहीं, क्योंकि आपके हिसाब ही नहीं बोल रहे हैं, और जिस व्यक्ति से लेने जाऊंगे वो कहेगा भैया मेरी किताबों में नहीं बोल रहा है, गलत है ये, मैं नहीं दूंगा, कर ले कुछ भी, अब गए बस, मर गए आप तो, और क्या होगा। इसलिए अकाउंट्स जब पढ़ाई हमारे को, तो पहले दिन पहली क्लास में टीचर ने बतलाया था अकाउंट्स का नियम, पहला नियम याद रखो, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, क्या पहले लिख पीछे दे, भूल होने की संभावना नहीं है। यहां कह रहे हैं किसी की किसी में एंट्री कर दी, जो जीव था उसकी एंट्री पुद्गल में कर दी, जो आश्रम था, अच्छा देखो शुभ राग है, शुभ राग की एंट्री कहाँ होगी भाई साहब, तो शुभ राग की एंट्री आश्रम तत्व में होनी चाहिए ना, अब ये शुभ राग की एंट्री यदि संवर तत्व में कर देगा तो अकाउंट्स गड़बड़ा जाएंगे, खत्म हो गई सारी कहानी। बोलो, पुण्य उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधा,
उत्कृष्ट जाति का पुण्य, चाहे वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का ही पुण्य क्यों नहीं बंधा हो, बतलाओ एंट्री कौन सी जगह पर की जानी चाहिए? बंद तत्व में एंट्री होगी उसकी। अब ये उसे मोक्ष तत्व में मान लेता, अरे तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो मोक्ष तत्व है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो संवर है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति से तो निर्जरा हो रही है, सब मामला गड़बड़ा जाएगा। बोलो क्या टोडरमल जी ने कितना स्पष्ट कह दिया यहां, इसको उसमें कर देता है। बोलो अकाउंट्स बराबर चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद में ये तो डाटा एंट्री हुई, एंट्री के आजकल तो सभी ये टैली वगैरह और इन सॉफ्टवेयर्स वगैरह में होते हैं ना सारे काम, हमने भी खूब किया है उस पर, तो ये टैली पर काम होता है तो कुछ नहीं करना पड़ता है आपको, तो एंट्री चढ़ाओ। आपने एंट्री चढ़ा दी है तो अपने आप उसका अकाउंट बन जाएगा, लेज़र अपने आप बन जाएगा, लेज़र बन जाएगा अपने आप, उसका ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाएगा, उसका पी एंड एल अपने आप बन जाएगा, उसकी बैलेंस शीट अपने आप बन जाएगी, बस सिर्फ एंट्री करनी है आपको। ऐसे सब सॉफ्टवेयर चलते हैं, सब अकाउंट्स के आजकल इसी दम पर होते हैं। देखिए कहाँ तक आ गए हैं अपन, स्वरूप को पहचाने बिना, बिल्कुल इस पैराग्राफ की बिल्कुल सेंटर लाइन है, स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्व को अन्य तत्व मान लेता है अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, इसलिए उसके सम्यक्त्व नहीं होता, निर्णय नहीं किया उसने। तथा जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अरे गजब बात है, पोथी पढ़ पढ़ भावरा पंडित मुआन कोय, और ढाई है ढाई अक्षर आत्म के पढ़े सो पंडित होए। ये तो उनकी कबीरदास जी की पंक्तियों को अपन ने आत्मा जोड़ दिया उसके, उन्होंने तो ढाई अक्षर प्रेम के ऐसा लिखा है, मेरे ख्याल से मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी भी है ढाई आखर प्रेम के, ऐसा ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो, तो ढाई अक्षर आत्म के पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो ज्ञानी होए, पंडित मत कहो ज्ञानी कहो, ज्ञानी है ज्ञानी, ढाई अक्षर आत्म के, आत्मा के ढाई अक्षर जिसने पढ़ लिए हैं, आत्मा के ढाई अक्षर जिसने पढ़ लिए हैं वो ज्ञानी है। क्या फर्क पड़ता है शास्त्र कितने पढ़े हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, कितने शास्त्र पढ़े हैं, कितनी कितनी गाथाएं याद है, कितनी टीकाएं व्याख्याएं, कितने प्रवचन, कितने उद्बोधन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, आत्मा पढ़ा के नहीं पढ़ा ये लिख रहे हैं यहां पर। देखो शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, परंतु पहले उदाहरण में घटित कर रहे हैं फिर सिद्धांत में घटित करेंगे, क्या कोई शास्त्र आदि पढ़ा हो या न पढ़ा हो परंतु स्वराधिक के स्वरूप को पहचानता है तो वे चतुर हैं, स्वर के स्वरूप को पहचानता है तो चतुर है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो यदि जीवाधिक के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। बोलो त्रियंच गति के अनपढ़ भी कितने पढ़े लिखे होते हैं, गाय कितनी पढ़ी लिखी है, कुत्ता कितना पढ़ा लिखा है, सड़क पर हमारे यहाँ से गुजरता हुआ सामने बैठा हुआ कुत्ता, मंदिर में आता हुआ सामने बैठा हुआ एक बंदर, एक कबूतर आकर के बैठ गया, सम्यक दृष्टि हो सकता है, भाव वासन हो सकता है, मेंढक का जीव सम्यक दृष्टि है, शेर का जीव सम्यक दृष्टि है, हाथी का जीव, त्रिलोक मंडल नाम का हाथी और उपद्रव मचा रहा था सारे जंगल में इधर से उधर, और एक मुनिराज को देख करके शांत हो गया, क्या हुआ, भाव वासन हो गया उसको, सम्यक दृष्टि हो गया। बोलो मुनिराज का उपदेश सुना और सम्यक दृष्टि हो गया, शास्त्र कितने पढ़ाए ये बतलाओ, शास्त्र कितने पढ़े उसने, बोले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, जैसे हिरण स्वर रागादिक का नाम नहीं जानता परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवादिक का नाम नहीं जानते परंतु उनके स्वरूप को पहचानते हैं, स्वरूप पहचान लिया, तुच्छ बुद्धि है नाम नहीं जान रहे हैं स्वरूप पहचानने में आ रहा है, अल्प बुद्धि है त्रियंश गति के जीव हैं, नारकी जीव हैं और साधारण बुद्धि वाले जीव हैं, किसान हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, बिजनेस करता है, काम धाम करता है। बोलो अरे अंगूठा छाप से बड़े बड़े सेठ हो जाते हैं, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता उनको, और बड़े बड़े लोग उनके नौकरी करते हुए दिखाई देते हैं, पढ़े लिखे लोग, तो पढ़ने लिखने से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, अनुभव ज्ञान कार्यकारी है। यह मैं हूं, ये पर हैं, ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं, इस प्रकार स्वरूप की पहचान उसका नाम भाव वासन है। स्वरूप की पहचान, सात तत्व बतला दिए पंडित जी साहब ने यहां,
ये मैं हूँ, ये जीव तत्व, ये पर हैं, ये अजीव तत्व, ये भाव बुरे हैं, आश्रव और बंध तत्व, ये भाव भले हैं, संवर निर्जरा मोक्ष तत्व। सातवां आवे, कैसी शैली का प्रयोग करते हैं पंडित जी, एक एक वाक्य बहुत सोच समझ करके लिखते हैं, क्या लिखना, कैसा लिखना, हवा में नहीं चलती है कोई भी बात। बोलो, इस प्रकार स्वरूप को पहचानने का नाम भाव भाषण है। समझ में आया क्या? पूरा प्रवचन भाव भाषण पे की है अपन ने चर्चा, भाव भाषण है। शिवभूति मुनि, उदाहरण समझ लो, समय हो गया अपना। शिवभूति मुनि जीवादिक का नाम नहीं जानते थे और तुस मास भिन्न ऐसा रटने लगे, सो यह सिद्धांत का शब्द था नहीं, परंतु स्वपर के भाव रूप ध्यान किया इसलिए केवली हुए। और ग्यारह अंग के पाठी जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते हैं, परंतु भाव वासित नहीं होता इसलिए मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। बोलो, ये क्या बात कहना चाह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? शिवभूति जैसे मुनिराज तत्व के नाम नहीं जानते, क्या फर्क पड़ गया तत्व के नाम नहीं जानते तो? बोलो, अनपढ़ व्यक्ति नाम नहीं जानता तो क्या फर्क पड़ता है उससे, और पढ़ा लिखा नाम जान लेगा तो कौन सा तीर मार लेगा? इसलिए भैया भाव वासन महत्वपूर्ण है। नाम सीख लिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नाम नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? स्वस्ति, एक शब्द का भाव वासन होना चाहिए उसका। आत्मा, एक शब्द का भाव वासन होना चाहिए। तो आज ये थोड़ा सा पंडित जी साहब ने भाव वासन को समझाने का प्रयत्न किया है। आत्मा के बारे में, अपने चैतन्य तत्व के बारे में जब तक अपने आप को भाव वासन नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। हम सब अपने आप के बारे में, आत्मस्वरूप के बारे में भाव वासन करते हुए सम्यक दृष्टि हो, मोक्ष मार्गी हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं। कल से चर्चा करेंगे इसी भाव वासन को बेस बनाकर सात तत्व संबंधी चर्चा, सात तत्व संबंधी भूल की चर्चा। अभी की बात को यहीं विराम देते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। महावाणा मुखार मंत्र।